वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, और उसमें हमने उसकी आज हमारी है फिफ्थ क्लास और इसके बाद होगी लास्ट क्लास। ठीक, आज पांचवी क्लास है, हम 50-40-50 क्वेश्चनों तक पहुंच जाएंगे और इसके बाद होगी लास्ट क्लास। तो आप एक बार पहले ध्यान से सुनिए कि कोई भी टॉपिक है उसकी एक पहली क्लास और एक लास्ट क्लास, उसको आपने अच्छी तरह से देखना है, क्योंकि उसमें जो पहली क्लास में होता है वो पूरा बेसिक होता है, जो सारा वर्क बाकी क्वेश्चनों पे करता है, और लास्ट क्लास में मेरी वो क्वेश्चंस होंगे जो आपके हार्ड क्वेश्चन, जिसको आप बोलते हो, जिसको आप कहते हो कि ये कठिन प्रश्न है, औखे प्रश्न है ना, वो प्रश्न आपके उस क्लास में होंगे। ठीक है, आज भी हमारे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें से मेरे को लगेगा भी ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में करवाने वाला है, भी उससे पहले सारा कुछ खत्म कर लें, है ये भी इंपॉर्टेंट, पेपरों में ये भी आने वाले हैं, लेकिन कई बार हम कह देते हैं पेपर टफ आया था, पेपर मुश्किल आया था, तो लास्ट क्लास में थोड़े से लेवल के क्वेश्चन होंगे, अच्छे अच्छे एग्जाम्स में आए हुए SSC के वो वाले क्वेश्चन, और उस अब हम टाइप वाइज कर रहे हैं, वहां पे सारी टाइप्स इकट्ठी करके लेके आऊंगा। ठीक है, एक क्लास आपकी वो लास्ट हुआ करेगी, तो आपने फर्स्ट और लास्ट में बहुत सारा ध्यान देना है। यहां पे तो हमने जो टाइप्स थी सारी कर ही ली है इसकी। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। कल की क्लास का ये था लास्ट क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न था ये कल की क्लास का। क्वेश्चन पढ़िए पहले, क्या है, कितने वर्षों में एक धनराशि 30% वार्षिक साधारण ब्याज से अपना 16 गुना हो जाएगी। ठीक है, तो इसके ऊपर समय लगाना था आपको समझाने के लिए, इसलिए ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में नहीं हुआ था। मैंने आपको आंसर बता दिया था इसका क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 50%, है ना, और वो आएगा कैसे, सिर्फ आप इस क्वेश्चन में आंसर ही मार्क करने वाले, उसमें कुछ लिखने वाली बात नहीं है, लेकिन अब जो लिखूंगा, मतलब जब भी मैं कोई आपको ट्रिक बताता हूं ना या कोई शॉर्टकट बताता हूं, तो वो ये भी समझाता हूं कि वो बना कैसे है। ठीक है, यदि आपको बना कैसे है ये पता लग जाए, तो यदि आप शॉर्टकट भूल भी गए पेपर में, तो आप इसको उस तरीके से बना लोगे। ठीक, इसका आंसर मैंने बता दिया था क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 50%, सीधा दिख रहा है। ठीक है, लेकिन आपको अभी सीधा नहीं दिखेगा, आप पहले इस बात को समझिए कि मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं। कितने वर्षों में हमसे टाइम पूछा हुआ है, ठीक है, इन क्वेश्चंस में या टाइम पूछा जाएगा या रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाएगा, ब्याज की दर पूछी जाएगी। कितने वर्षों में एक धनराशि 30% से 30% वार्षिक दर की ब्याज से अपना 16 गुना हो जाती है, मतलब 16 गुना का मतलब है 16 times, देखो इंग्लिश में मैं लिख देता हूं यहां पे, 16 गुना मतलब 16 times, 16 गुना, 30% आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है आ रहा है और आपसे टाइम पूछा गया। अब यहां पे हमें कोई राशि नहीं दी गई, ठीक है, कुछ नहीं दिया गया, तो यहां पे फॉर्मूला कहां पे लगाएं, कैसे लगाएं। ठीक, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें एक मानना पड़ता है, ज्यूम करना पड़ता है, मान लेते हैं हम ये मान लेते हैं कि जो धनराशि थी वो थी 100 मान लो, 1000 मान लो, 1 मान लो, आपकी मर्जी जो मर्जी मानो। ठीक है, तो हमने माना कि जो प्रिंसिपल था वो था 1 रुपया, जो प्रिंसिपल था मेरा वो 1 रुपया था, और यदि प्रिंसिपल मेरा 1 रुपया था और वो 30% रेट क्या दिया हुआ है, 30% 30% 30% वार्षिक, 30% क्या दिया हुआ पर एनम, उस 1 रुपए के ऊपर ब्याज लगा 30% 1 साल का, और उसकी हमें ब्याज नहीं पता, लेकिन इतना पता कि वो 16 times हो गया, 16 गुना हो गया। यदि 16 गुना हो गया तो यदि 1 रुपए का हम 16 गुना करते हैं तो कितने रुपए आ जाएंगे, मतलब 1 रुपया जो मेरा था वो मेरे कितने रुपए बन गया, वो मेरे 16 रुपए बन गया। 16 गुना का मतलब ये 16 गुना, तो 1 का 16 गुना 16 रुपए, 16 रुपए यदि बन गया तो ये 16 रुपए मेरा क्या आया, 16 रुपए मेरा आया अमाउंट, अमाउंट मतलब जिसको आप हिंदी में पढ़ते हो मिशन धन। 1 रुपया 30% वार्षिक साधारण ब्याज से वार्षिक लगे, पर एनम लगे, तो वो अपना 16 गुना हो जाता है, मीन 16 रुपए हो जाता है। जो चीज बन जाती है वो क्या होता है,
अमाउंट होता है। यहाँ पे अमाउंट हमें दिया नहीं हुआ था, हमने अज्यूम कर लिया यदि प्रिंसिपल एक रुपया रहा होगा ना तो अमाउंट हमारी 16 रुपीज होगी। तो यदि अमाउंट 16 रुपीज होती है तो अमाउंट में दो चीजें शामिल होती हैं, कौन कौन सी? अमाउंट में एक तो होता है प्रिंसिपल मूलधन और एक होती है इंटरेस्ट। अब यदि प्रिंसिपल एक रुपया मानना है हमने, यदि प्रिंसिपल एक रुपया है तो उसको इंटरेस्ट कितनी मिली है? इंटरेस्ट उसकी मिली है 15 रुपए। एक रुपए से 16 गुना हो गया, 16 रुपए हो गए, इसका मतलब उसमें 16 रुपयों में 1 रुपया तो प्रिंसिपल का है और बाकी 15 रुपए क्या मिली है? इंटरेस्ट मिली है, इसलिए वो कितना हो गया? 16 गुना 16 टाइम्स। अब यदि हम इसको बेसिक से, कोई मर्जी बेसिक से आप कर सकते हो, हमने इसमें निकालना है टाइम, समय कितना, कितने सालों में वो 16 गुना हुआ है, कितने वर्षों में 16 गुना हुआ है, ठीक है, मतलब कितने वर्षों में उसको 15 रुपए ब्याज मिली है। अब यदि आप उसको बिल्कुल बेसिक से करो कि आपको पता है कि जो ब्याज होती है साधारण ब्याज, वो होती है मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100, ठीक, मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। साधारण ब्याज आपने पता लग गया भी आपकी कितनी हो गई, 15 रुपए जो हमने निकाल लिया। मूलधन हमने एक लिया था, रेट हमें दिया हुआ है 30%, समय हमने निकालना है और नीचे क्या लगा दिया? 100 लगा दिया। अब आपका यहां पे समय आ जाएगा, देखिए इस 0 से ये 0 कैंसिल की, 3 से यदि मैं काटता हूं, 3 से यदि मैं 15 काट सकता हूं तो क्या आएगा? 5, और इस 10 को 5 से गुना किया तो क्या आ गया? 50, और 50 का यदि टाइम आया तो किस में आएगा? इयर्स में आएगा, 50 इयर्स। तो इसको आप ऐसे बड़ी आसानी से निकाल सकते हो भी 50 साल में मेरा 1 रुपया जो था वो मेरे कितने रुपए हो जाएगा? 16 रुपए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का यही मतलब है, कितने वर्षों में कोई धनराशि 30% से वार्षिक से साधारण ब्याज से अपना 16 गुना हो जाएगी। साधारण ब्याज 15 रुपए आई और 16 गुना कब होगी? वो 50 सालों में, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया सारा आपको ताकि आपको कोई कंफ्यूजन आए या कुछ भी आए तो आप कर सकते हो, लेकिन आपने ऐसे करना ऐसे कर सकते हो, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा आपको, वैसे टाइम इसमें भी ज्यादा नहीं लगा, ठीक है, लेकिन आपको एक शॉर्टकट या ट्रिक बता देता हूं कि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो क्या करते हैं। देखिए टाइम निकालना, मैं फिर बताया आपको, पहले बता भी चुका हूं, इन क्वेश्चंस में या तो टाइम पूछा जाएगा या क्या पूछा जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाएगा। तो इससे मैं आपको दो क्वेश्चन सीधे करवा देता हूं। आपसे यहां पे 30% आपको दिया हुआ था, या तो आपको टाइम पूछा जाएगा इयर्स में, है ना, इयर्स में टाइम होता है वर्षों में, या आपसे रेट पूछा जाएगा, और जो रेट होता है वो होता है परसेंटेज में। तो जितने वर्ष जितने गुना हो रहा है, जितने टाइम्स हो रहा है, यदि अगर से टाइम पूछा है तो जितने टाइम्स जितने गुना हो रहा है आप उसमें से पहले क्या माइनस कीजिए? 1 माइनस कीजिए और उसका भाग कर दीजिए। किसमें भाग करोगे आप उसका? टाइम निकालना तो आप यहां पे आपको रेट दिया होगा, रेट से भाग कीजिए, आपका सीधा आंसर आ जाएगा 50%। हमने समय निकालना था, टाइम हमारे पास हमें पता नहीं था, लेकिन इतना पता है कितने गुना हो रहा है, कितने टाइम्स हो रहा है, वो 16 गुना हो रहा था। तो जितने गुना हो रहा है, जितने गुना हो रहा है उसमें से आप एक माइनस कीजिए, 1 माइनस किया तो क्या आ गया? 15 आ गया। 16 में से 1 माइनस किया, क्या आ गया? 15 आ गया। और इस 15 का भाग आप किसमें दोगे? आर में, मतलब 30% में आप भाग दोगे। तो 15 का यदि आप 30% में भाग दोगे तो ये परसेंट हम हटाते हैं और इस परसेंट का जो 100 है वो हम ऊपर लगा लेते हैं। 15/30 और गुना मैंने क्या किया? 100 से। ये 100 कहां से आया? इसका परसेंटेज है। 15 को जब मैंने 30 से कैंसिल किया 2 आया, 2 को मैंने 100 से कैंसिल किया तो क्या आया? 50 आ गया। और टाइम निकला तो टाइम किसमें निकलेगा? ईयर्स में। तो ये 50 साल आपका इस शॉर्टकट तरीके से आ जाएगा। अब आपको इस 15 की बात बताता हूं। 15 जो वो है 30% की वैल्यू है, 15 जो है वो 30% की वैल्यू है, इसलिए 15 नीचे
ऊपर और 30, क्योंकि बड़ा तो 15 ही है ना, 16 गुना हुआ है, बड़ा तो 15 ही है, इसलिए हम इसमें से क्या करते हैं, एक माइनस करते हैं। 16 गुना होने का मतलब है कितना बड़ा, 15 बड़ा, मतलब एक तो था ही पहले, 16 गुना हो गया, तो उसको ब्याज कितनी मिली है, ब्याज तो 15 रुपए मिली है, और कितने समय में मिली है, तो 15 आया, नीचे जो परसेंटेज है वो आई, गुना क्या किया, 100 आया, काटा तो कितने साल आ गए, 50 साल। अब इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछा जाता है, यदि यहां पे आपका परसेंटेज ना दिया होता, यहां पे आपको दिया होता कि कोई धन था, ठीक है, वो 50 वर्षों में 16 गुना हो गया, कोई धन 50 वर्षों में 16 गुना हो गया, तो ब्याज की दर क्या थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था। यदि कोई धन 50 वर्षों में 16 गुना हो रहा है, 50 लिख देता हूं यहां पे, यदि कोई धन 50 वर्षों में 16 गुना हो रहा है, तो हमने बताना है ब्याज की दर कितनी थी। तो अब हमने क्या निकालना है, अब हमने आर निकालना है, तो आर यदि हमने निकालना है तो हम देखेंगे कि जो आर है वो कैसे निकलता है। तो सेम फॉर्मूला, आर आप वहां ले जाओ और टी आप वहां ले आओ, नीचे ले आओ, मींस नीचे यहां पर टाइम हमें दिया हुआ है, टाइम से हम डिवाइड कर देंगे, जितने गुना हो रहा है उसमें से हम क्या करेंगे, एक घटाएंगे, तो आर क्या आ जाएगा मेरे पास, यदि मेरा 16 गुना हो रहा है तो 16 में से यदि मैंने एक घटाया और नीचे टाइम से बाढ़ दिया, 50 वर्ष मेरे को दिए हुए थे, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, मेरे पास आ जाएगा परसेंट में, जब भी प्रतिशत लगा निकालना है तो हम 100 से क्या करते हैं, गुना करते हैं, 100 से क्या करते हैं, गुना करते हैं, और यदि टाइम निकालना है, 100 से मैंने इधर भी गुना किया है, आप फॉर्मूले में इधर 100 से गुना भी लिख सकते हो, वो 100 जो है आया परसेंटेज का ही है, ठीक है। तो आर 16 में से एक घटाया, क्या आ जाएगा, 15, और 15 और नीचे मेरे पास है 50, और किसका गुना किया, 100 का गुना किया, आर निकालने के लिए आर प्रतिशत, जब भी प्रतिशत निकालना हो तो 100 से गुना करते हैं और जब घटाना तो 100 से भाग करते हैं, तो 15 50 का इस 100 में भाग जाएगा तो क्या आएगा, 2 आएगा, और 15 को 2 से गुना करोगे तो क्या आएगा, 30 आएगा, और 30 किसका आया, वो परसेंटेज का, आर हमेशा हमारी किसमें होती है, परसेंटेज में होती है, तो ये 30% जो है मेरा आंसर आ जाएगा, 50 वर्षों से 30% निकाल के दिखा दिया आपको, और 30% से 50 वर्ष निकाल के दिखा दिया, जो कि इसका आंसर था ऑप्शन नंबर 3। अब इनकी प्रैक्टिस के लिए हम इसके क्वेश्चन करेंगे 2-3 और किस तरीके से पूछा जाता है, कितने समय में 12% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन, कोई राशि अपना दो गुना हो जाती है, अपना दो गुना हो जाती है, मीन्स डबल हो जाती है, डबल मीन्स दो गुने सेकंड, डबल हो जाती है, इसको यहां पे डबल लिखा होगा, DOUBLE, डबल लिखा होगा, डबल आर, ये आपके पास क्या, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है पर एनम, समय फिर पूछा हमसे, तो आप यदि शॉर्टकट समझ गए हो तो आपको सीधा शॉर्टकट लगाओगे, सीधी इसकी ट्रिक लगाओगे, कौन सी, भाई यदि हमसे समय पूछा है तो जितने गुना हो रही है डबल हो रही है, जितने गुना हो रही है, जितने टाइम्स हो रही है वो टू टाइम्स हो रही है, डबल मतलब टू टाइम्स, दो गुने, जितने गुना हो रही है उसमें से एक घटाओगे और किससे भाग कर दोगे, आर से भाग कर दोगे, और गुना किसका लगा दोगे, 100 का यहाँ पे गुना लगा दोगे, तो हमने टाइम निकालना है, यहाँ पे टाइम्स कितने गुना होती, दो गुना हो रही थी, तो आपने बस इतना करना था, दो गुना हो रही है माइनस एक, नीचे आर, आर हमें दिया होगा 12% और मल्टीप्लाई क्या किया, 100 किया, तो इसको सॉल्व किया, 2 माइनस 1 क्या आया, 1 आया, 1/12 और गुना 100 किया, तो 100/12 मींस इसको आप सॉल्व कर लो, 100/12 आपको पता ना चाहिए कि क्या होता है, 4 के बारे में काटा तो क्या आया, 3 आया, 4 के बारे में आया 25, और 25/3 क्या होता है, 8 1/3, 8 1/3 टाइम है तो मेरा आएगा वर्ष में, 8 1/3 साल मेरे लगेंगे, ऑप्शन नंबर 3, 3 नंबर ऑप्शन आंसर आएगा। कितना समय लगेगा यदि कोई धनराशि अपनी ब्याज, धारण ब्याज से, इस रेट पे धारण ब्याज से क्या होती है, दो गुनी होती है, दो गुनी का मतलब टू टाइम्स, टू माइनस हमेशा वन करना है, आर से क्या करना, आपने बात करना है, और गुना किसका दे देना, 100 का, दो में से एक घटाया, एक आ गया, नीचे 12 का 12 पड़ा, इधर 100 पड़ा,
ठीक है, यहाँ पे भी काट सकता था लेकिन आपको करके दिखा दिया डिटेल में। चार के पहाड़े में 12 काटा तो 3 नंबर पे, चार के पहाड़े में 100 काटा तो 25 नंबर पे, तो 25/3 8 1/3 वर्ष जो है आपका समय आ गया। इसी क्वेश्चन को यदि उल्टा करता हूं, अब हरेक क्वेश्चन आपको दो दो तीन तीन क्वेश्चन बना के करवा रहा हूं, मीन्स यदि मैंने 40 क्वेश्चन, मेरा 40 नंबर पे पहुंच गया हूं ना, तो लगभग मैं आपको 100 क्वेश्चन करवा चुका हूं। ठीक है, यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं बढ़ाता ताकि आप घबराओ मत। इसी क्वेश्चन को यदि हम दूसरे तरीके से करते हैं, देखिए इसको हम बदल लेते हैं, तो बदलेंगे कैसे, अब हम यहां पे कर लेते हैं कि यदि यहां पे हमें ये ना दिया होता, यहां पे 8 1/3 ईयर्स दिए होते, इसमें हमें साल दिए होते, और हमसे ये पूछा जाता है इसी क्वेश्चन में कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर है वो कितने परसेंट होगी, और सम सारा यही है। मतलब क्वेश्चन क्या बनेगा, सुनिए ध्यान से, यदि कोई धन 8 1/3 वर्षों में किसी दर पर साधारण ब्याज से 2 गुना हो जाता है, तो वो दर, आप वार्षिक दर जो आपने पता करनी है, वार्षिक दर क्या होगी, तो इसमें क्या करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला सेम रहता है। अब हमने आर निकालनी है, तो आर हम लिखेंगे जितने गुना, कितने गुना हो रहा है, 2 गुना, 2 गुना हो रहा है, 2 में से 1 घटाएंगे, और नीचे क्या लिखेंगे, टाइम लिखेंगे, टाइम हमें दिया हुआ है 8 1/3, 8 1/3 मीन्स 25/3, और वो 3 मेरा क्या है ऊपर आ गया, और गुना किसका करते हैं, हम 100 का करते हैं, 8 1/3 यहाँ पे बड़ा, 8 24 1 25/3, 3 का ऊपर गुना किया और मल्टीप्लाई 100 किया, क्योंकि रेट निकाल रहे हैं, फॉर्मूला बना हमारे पास, तो 2 - 1 इसका तो कोई लेना देना नहीं है, 1 ही आएगा यहाँ पे। 25 का यदि मैंने 100 पे भाग दिया तो 4 आया, 4 को 3 से गुना किया, तो चेक करो कि 12% आया क्या, चेक करो 12% आया, और इसका क्या था, 12% था, ये हमसे पूछा होता। ठीक है, इसका आंसर नहीं है ये, मैंने क्वेश्चन आपको अलग फ्रेम करके दिया बाद में, यदि यहाँ पे वो इयर्स रख दे और आपसे क्या पूछेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा तो क्या पूछा जाएगा आपसे, टाइम पूछा जाएगा। इन क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टाइप में, कितने वर्षों में एक धनराशि 5% प्रति वर्ष की धारण ब्याज से स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी मतलब 3 टाइम्स, 3 गुनी मतलब 3 टाइम्स, इंग्लिश मेरे पास नहीं है इसलिए आपको लिख के दिखा रहा हूं, ये तो आपको पता है, समय पूछा गया है, 3 गुनी का मतलब यदि आप इंग्लिश में पढ़ते हो तो 3 गुनी का मतलब 3 टाइम्स, 3 गुना, और फिर समय पूछा गया है तो हमने क्या लिखा, टाइम, टाइम इक्वल टू समय हमने निकालना है, टाइम निकालना है, तो जितने गुना हो रही है, जितने गुना हो रही है, 3 गुना हो रही है, 3 टाइम्स हो रही है, तो जितने गुना हो रही है उसमें से 1 घटाया, नीचे टाइम दिया, तो आर रखेंगे और गुना किससे करेंगे, गुना करेंगे 100 से। ठीक है, 3 में से 1 घटाओगे आएगा 2, ठीक, 3 में से 1 घटाया आया 2, 5 का 100 में भाग दोगे तो क्या आएगा, 5 को 20 से गुना करोगे 100, और 20 को 2 से गुना करोगे तो 40, मतलब 40 साल उसको लग जाएंगे, 40 years उसको 3 गुना होने में 5% के हिसाब से। यदि आप परसेंटेज से करते हो तो और भी बढ़िया बात है, लेकिन आप इसके लिए शॉर्टकट याद रखो, ठीक है, 3 गुना मतलब 40 × 5 = 200, ऐसे भी कर सकते हो। अब आपसे परसेंटेज पूछ ली, आपको समय दे दिया, ठीक है, अब आपसे क्या पूछ ली, परसेंटेज पूछ ली, तो एक राशि 8 वर्षों में साधारण ब्याज से स्वयं की 5 गुना हो जाती है, अब हुई है 5 टाइम्स, तो क्या करेंगे, 5 टाइम्स हुई है, अब हम सीधा फॉर्मूला नहीं लिखते, अब हमें निकालनी है ब्याज की दर, आपको टाइम दिया हुआ है, ब्याज की दर यदि निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, ब्याज की दर निकालने के लिए क्या बताया था, जितने गुना हो जाए उसमें से 1 घटाओ, पहले 5 गुना हो रहा है, 1 घटाओगे तो ऊपर क्या आएगा, 4, आर यदि पूछा गया तो क्या दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, उस टाइम को नीचे रखेंगे मींस 8, और किससे गुना करेंगे, 100 से, तो ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, ब्याज की दर आ जाएगी प्रति वर्ष जो लगी है, तो प्रति वर्ष जो ब्याज की दर है वो कितने परसेंट लगी है, वो लगी है मेरी
50% प्रति वर्ष, यदि 50% लगाएगा और 5 गुना करना है, 8 × 5 = 400%, ठीक है, तो 50% आपका क्या है आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपका क्या निकलता है, इस तरह से आपका निकलता है परसेंटेज, प्रतिशत, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा। आगे देखिए, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको क्लास की शुरुआत में बताया था कि ये हमारी सेकंड लास्ट क्लास है, इस क्वेश्चन को हम लास्ट क्लास में करेंगे। यदि आप कर सकते हो तो कोशिश करना, पढ़िए आप क्वेश्चन को, ठीक है, अगली क्लास में इसका सलूशन मिलेगा आपको, क्योंकि अगली क्लास में थोड़े से अच्छे, मतलब कर सकते हो, ये बात नहीं मैंने करवा दिया, आप बड़े आराम से कर सकते हो, लेकिन आपको दो दो तीन तीन मेथड से समझा दूंगा आपको, ये भी जहां से आप करना चाहो वैसे कर लो, जहां से आप जल्दी पहुंच जाओगे इसके आंसर पे, ठीक है। आगे पढ़िए, 12% से 500, 10% से वार्षिक ब्याज से 19 के लिए, 4 वर्ष पर 4 दोनों निश्चित राशि का कुल बना 480, तो देते हैं निश्चित राशि क्या है। ये भी आसान है क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको भी हम अपनी लास्ट क्लास के लिए बचा के रख लेते हैं। बन में साधारण ब्याज पर दो समान राशियां की, ठीक है, एक राशि पर 15% ब्याज की दर और दूसरी पर 20% निवेश किया, वर्ष के अंत में कुल 1400 रुपए लाभ हुआ, समान राशि 35%। चलिए देखते हैं, तो हमने देखा कि इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में हमें यह दिया है कि भवन में साधारण निर्माण पर दो समान राशियां निवेश की गई हैं, दो राशियां जो निवेश की गई वो क्या है, इक्वल है, उसमें एक राशि 15% दर पर दी और दूसरी राशि दी 20% दर पर, ठीक है, और दोनों राशियां जो है निवेश की गई हैं, एक को 15% पे लगाया और एक को लगाया 20% में, और वर्ष के अंत में, मतलब हमारे पास यहां पर एक ही साल है, वर्ष के अंत में जो कुल इंटरेस्ट मिला वो मिला 1400, वो मिला उसको 1400, तो निवेश की गई कुल राशि क्या थी। देखिए 15% उसी राशि पे, 20% उसी राशि पे, तो इस क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ऐसे नहीं कर सकते इस मेथड से। यहां पे क्यों कर रहा हूं मैं, 20 और 15 को जोड़ सकता हूं, 20 और 15 35%, क्यों मैंने जोड़ा, क्योंकि साल मिला एक ही है, वर्ष एक ही है, तो दोनों को जोड़ सकता हूं क्योंकि राशि समान है, राशि क्या है समान है, तो मैंने देखा 15% और 20% उसको मिला 35%, ठीक है, यदि 35% मिला तो ओवरऑल उसको 35% और वर्ष एक ही हमारे पास, तो यदि 35% उसको इंटरेस्ट मिला और ब्याज मिला कितना 1400 रुपए, तो 1400 रुपए यदि 35% की वैल्यू है, 1400 रुपए यदि 35% की वैल्यू है, तो आप 100% की, चलो निकाल लीजिए पहले, तो 100% का मान क्या होगा, 35% की वैल्यू तो 100% की वैल्यू क्या, ठीक है, इतना सही करना था बस, इसमें ये परसेंटेज से ये परसेंटेज क्या कैंसिल हुआ, 35 का डबल 70, 70 का डबल 140, में 35 को 4 से करोगे 140, तो 140 को जब आप 40 को 100 से गुना करोगे तो आपका क्या आएगा 4000। अब आपको ऑप्शन में 4000 दिख रहा है, ठीक है, भी क्या इसका आंसर 4000 आएगा क्या, देखते हैं अभी, थोड़ा समझिए, अब भी 4000 आया क्या आया, हमसे पूछा गया निवेश की गई कुल राशि कितनी थी, यदि उसने 4000 यदि दोनों निवेश किए थे, तो देखते हैं भी 4000 का क्या 15%, 4000 का 15%, मतलब यदि 4000, चलो एक मिनट रुको, अब ये आपको कंफ्यूजन होगी कि जो 4000 है वो 4000 दोनों है कि 2000 आएगा, ठीक है, मतलब 4000 ये कुल था, तो क्या 4000 कुल आ गया हमारा, यहां पे 2000 ऑप्शन में पड़ा नहीं है, ठीक है, मींस कहने का कि दोनों राशियां 4000 की थी, क्योंकि दोनों को मिला के मैंने 100% मान लिया था, ठीक है, दोनों राशियां कितनी थी 4000 की। देखिए यदि 4000 का मैं सीधा निकाल लूं क्या, 15 और 20 35%, यदि 4000 का मैं 35% निकालता हूं, 35 70 और 70 140, तो मेरा 1400 रुपया आ रहा है,
इसका मतलब टोटल मेरे पास कितनी थी, 4000 थी, तो मिला निवेश की कुल भी राशि, ये हमारे पास कुल राशि आ जाएगी, कुल राशि। और इस क्वेश्चन में इसमें पूछा नहीं हुआ, घुमाकर क्या पूछते हैं, प्रति राशि क्या थी। यदि प्रति राशि आ जाए, मीन्स अलग अलग राशि क्या थी, तो फिर आपका आंसर आएगा 2000। इसमें कुल ही पूछा हुआ है, निवेश की गई राशि कितनी थी, तो कुल राशि इसको ध्यान दीजिए, कुल राशि, ये कुल है और ये राशि है, तो ये कुल राशि ही निकलेगी 4000, तो आपका आंसर होगा 4 नंबर। लेकिन आगे क्वेश्चन आएगा जब अकेले के लिए राशि पूछेंगे, तो फिर हम इसका आधा करेंगे, इसका आधा करेंगे, ठीक है। 2000 वो थी, 2000 वो थी, आप 2000 का 15%, 2000 का 15% निकालेंगे और 2000 का 20% निकालेंगे, तो 4000 का 14% हो जाएगा, ठीक है। तो 4000 का मैं सीधा 35% निकाल दिया। एक निश्चित राशि पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 4%, अगले चार, ये टाइप बहुत आती है अभी पेपर में, आसान है, करें क्वेश्चन को। आपको जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आप पढ़ोगे ना जब, उनमें ये क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे आपको, और ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, पिछले एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है ये। इसमें कंफ्यूजन कहां पे है वो बताता हूं आपको। कोई राशि थी, राशि आपको नहीं दिया गया, ठीक है, 2 वर्षों के लिए, यहां पे लिखता हूं मैं टाइम, 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए कोई राशि 4%, यहां पे रेट लिख लो, पहले 2 वर्ष उसने रेट लगा 4%, 2 वर्ष 4%, ठीक है। अगले 4 वर्ष, अब अगले 4 वर्षों में रेट बदल गया, अगले 4 वर्षों में रेट बदल गया और हमें नहीं बताया, ठीक है। तो आप क्या करो, 4 वर्षों के लिए तथा अगले 3 वर्षों के लिए, मीन्स अगले 4 और अगले 3 वर्षों के लिए रेट लगा 8%, मतलब 4 और 3 7, जो अगले 7 साल हैं, 4 साल और 3 साल, कितने साल, 7 साल। यहां पे कुछ दिया होता फिर 4 की उससे गुना करते, हमारे पास रेट आना था टोटल रेट, है ना। तो 4 और 3 7 दोनों को इकट्ठा बोल रहा है, अगले 4 और अगले 3 के लिए 8%, तो 7 साल वहां पे हो गए, 7 सालों पे लगा 8%, 7 सालों पे लगा 8%, और 2 और 7 साल कितने साल हो गए, 9 साल, 9 साल हमारे क्या पूरे हो गए, 9 साल हमारे पूरे हो गए। मीन्स कहने का, यहां पे क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, वो क्या कहना चाहता है कि 2 साल तो 4% लगा, अगले 4 वर्षों के लिए तथा अगले 3 वर्षों के लिए, 4 और 3 7 7 और 2 9 9 साल ही वो बोल रहा है, मींस पहले 2 साल यदि 4% है तो अगले 7 साल उसको 8% ब्याज मिला है, तो 7 सालों में 8%। अब यहां आते हैं, हमसे पूछा गया 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज इतना है तो राशि क्या थी, वो बाद में देखते हैं, राशि निकालना हमने क्या निकालना, मूलधन। लेकिन यहां पे अब क्या बनाते हैं, टोटल परसेंट उसको कितना मिला, यदि 4% 2 साल में मिला तो टोटल क्या मिला उसको यहां पे, 8%, 2 सालों में 4%, तो टोटल 8% मिला उसको। अगले 7 सालों में 8%, तो कितने परसेंट मिला, 56% मिला। इस बात को समझिए, बाकी सारा क्वेश्चन जो पिछले क्वेश्चन करवाए हैं उनकी तरह ही है। यदि 2 वर्षों में 4% और 7 वर्षों में 8%, तो 7 का 8 से गुना किया, ये 7 साल उसको मिला 56%, और ये 2 ईयर्स उसको मिला 4%। 56 और 8 जोड़ा तो उसको जो ओवरऑल इंटरेस्ट मिली, जो हमें दिया हुआ है, 56 में 4 जोड़े 60, 60 में 4 जोड़े 64, तो ओवरऑल उसको जो इंटरेस्ट मिली, जो उसको कुल इंटरेस्ट मिली, वो 64% मिली, और 64% की वैल्यू है 1120 जो कुल ब्याज मिली। मैंने टोटल क्यों किया, क्योंकि मैंने देख लिया यहाँ पे मेरे को साधारण ब्याज दी हुई है, और वो भी कौन सी दी है, टोटल दी है, तो मैंने टोटल परसेंटेज निकाल लिया, उसको कितने परसेंट मिला। यदि 2 सालों में 4% है तो टोटल 8%, 7 सालों में 8% तो टोटल 56%, ओवरऑल मेरे पास आया 64%। अब उसके बाद तो हम कर चुके हैं, है ना। अब आपको पता है, आपसे पूछा गया है, राशि पूछा गया, प्रिंसिपल पूछा गया, और प्रिंसिपल अपने आप में होता है 100%। यदि 1120 आपको पता लग गया ये ब्याज है, पर परसेंटेज में ब्याज कितनी है, 64, तो यदि 1120 की वैल्यू है, या 1120 64% के बराबर है, तो हमें जो भी निकालना है वो यहां पे रखते हैं। हमने निकालना है, क्या निकालना है, प्रिंसिपल 100% की वैल्यू, मूलधन अपने आप में 100%। तो 64 का डबल हो रहा है क्या,
जैसे मर्जी काट लो आपका आंसर आ जाएगा। ये परसेंट से आप क्या करो, परसेंट काट लो, है ना। इसको यदि मैं काटूं आठ के पाड़े में काट लेता हूँ, ये सोलह के पाड़े में काट लो, आठ के पाड़े में काट लो। पहाड़े यदि आपको आते होंगे ना, तो आप एक बार फिर बता रहा हूं, पहाड़े 25, 30, 40 तक जितने याद कर सकते हो करिए, आपको कटिंग में आसानी होगी वहां पे। देखो मैं इसको 64 के पहाड़े से सीधा भी काट सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे काटने से आपको नहीं आएगा, आपको आएगा कि आपको पहाड़े याद हो गए। तो आप क्या करते हो, आप चार पे दो पे काटना शुरू कर देते हो, क्योंकि पहाड़े नहीं पड़ते यार। यदि आपको टेबल्स याद है तो आप इसको सीधा 64 के टेबल में भी काट दोगे। 32 का पहाड़ा यदि आपको आता है, 32 के पहाड़े में काट दोगे। तो यदि मैं इसको 8 के पहाड़े में काटू, तो 8 के पहाड़े में 64 आता है 8 नंबर पे, ठीक है। 8 के पहाड़े में 8 एक नंबर पे आया, 3 बचा, 8 चौका 32, ठीक है। और 8 के पहाड़े में 140 आठ एक कम आठ बचेंगे छह, नहीं, आठ से पड़े से आप ये काट लो, आठ के पड़े में ये नहीं जाता, तो चार के पड़े में काट लो, चार के पड़े में दो नंबर पे, चार के पड़े में 25 नंबर पे, ठीक है। और दो के पड़े में यदि 140 काटा तो क्या आया, 70 नंबर पे। और 25 का 70 में गुना करोगे तो 1750 आएगा। कहां पे गड़बड़ होगी, एक मिनट फिर देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। 1120 लिया, चार दो वर्षों में तो 8%, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है ना। चलो देखते हैं इसको, इसके साथ का और क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या गड़बड़ है, यहाँ पे चार वर्षों के लिए तथा अगले तीन वर्षों के लिए, तो सात वर्ष में बना 56 और 8 64। यदि 1120 अच्छा 64% की वैल्यू है, तो 100% की वैल्यू यही तो निकालना था हमें, ठीक है। चार के पहाड़े में इसको काटा तो ये आया चार के पहाड़े में, आठ के पहाड़े में 64, आठ के पहाड़े में इसको काटा तो एक आया तो तीन बचा तो 32 बना, ये चार पे आया 32 पर यह जीरो आया, ठीक है। और आठ के पहाड़े में इसको काटता तो जाता नहीं, चार के पहाड़े में इसको काटता दो आया, ये चार के पहाड़े में आया 25 नंबर पे। और दो के पहाड़े में इसको काटता तो ये आया 70 नंबर पे। 25 का 7 में गुना किया 1750 आएगा इसका। चलो इसकी ऑप्शन में कोई गड़बड़ लग रही है या यहां पे कोई चीज मिसिंग है चार वर्षों के लिए, देखते हैं इसको, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 1750, कोई ऑप्शन में प्रॉब्लम है या यहां पे कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है। इसके साथ का ही और करते हैं एक, जैसे इसके साथ का ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन करिए, 9 वर्ष 13300, पहले दो वर्षों का, फिर तीन वर्षों का और बाकी के लिए 14%। सेम क्वेश्चन है उसके साथ का, ये वाला करिए। रमन ने 9 वर्ष बाद ब्याज के रूप में 13300 रुपए का भुगतान किया, तो 13300 रुपए का भुगतान सिर्फ ब्याज है। अब ब्याज हमारे पास है 13300, उसने पहले दो वर्षों के लिए 6%, देखिए टाइम था मेरे पास, ये टाइम है, टाइम कितना, पहले दो वर्ष, यहां से देखिए पहले दो वर्ष, तो टाइम है 2 ईयर्स, दो वर्षों के लिए 6% रेट लगा, 6% रेट कितना लगा, 6%, तो टोटल कितना बना, टोटल बना 12%, कितना मिल गया इसको, दो सालों में परिवर्तन 6% मिल गया प्रति वर्ष, तो दो सालों में मिला उसको 12%। अगले तीन इयर्स के लिए फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया, अगले तीन वर्षों में उसको मिला 9%, अगले तीन का है 9%, तो 9% मिला तो कितना मिला फिर तीन सालों में उसको मिला 9 या 27, 27%, ठीक। आगे चलते हैं, फिर देखा शेष अवधि के लिए, अब अवधि काउंट करो, अवधि कितनी रह गई, ओवरऑल कितने इयर्स थे, 9 साल, 9 सालों में वो 2 साल ये आ गए, 3 साल ये आ गए, 5 साल, 9 सालों में 5 साल तो निकल गए, बाकी कितने साल बचे, 4 साल,
अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा साल निकालने पड़ेंगे शेष अवधि। अब इसने यहाँ पे चार साल बोला नहीं है, ठीक है, ये आपको खुद देखना पड़ेगा। यदि 9 साल पूरे थे उसमें से 2 साल यहाँ पे चले गए, 2 वर्ष और अगले तीन मीन्स उससे अगले तीन, 2 यहाँ पे गए और अगले 3 यहाँ से गए, 2 और 3 कितने हुए, 5। ओवरऑल यदि 9 ईयर्स है तो 2 और 3 5, 5 9 पूरे करने, तो 4 साल बचे हुए और उन 4 सालों में उसको मिला 14%, 14%। 4 सालों में मिला 14%। यदि 4 सालों में 14% पर साल पर एनम, ये पर ईयर है, पर एनम है, तो 4 सालों में 14% मिला तो ओवरऑल कितना इंटरेस्ट मिला, 56%। तो ये उसको ओवरऑल परसेंटेज मिली और ओवरऑल जो इंटरेस्ट है मेरे को दी हुई है और पूछा क्या गया, उधार ली गई राशि प्रिंसिपल आपसे पूछा गया। तो मैंने देखा कि उसको इंटरेस्ट कितना मिल गया टोटल, 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 का 5 1 किया कैरी, 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9 मीन्स उसको 95% उसका मिल गया और ये 95% की वैल्यू है। पर हमें चाहिए किसकी, 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू सब भी इसके करीब करीब पड़े हैं ना, चलो निकाल लेते हैं। 13,300 यदि मेरे पास 95% की वैल्यू है, ये 95% मेरे को इंटरेस्ट मिला था और ये भी मेरे पास क्या इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट रुपयों में है, ये इंटरेस्ट मेरे पास परसेंटेज में है। 13,300 यदि 95% की वैल्यू है तो 100% मीन्स मूलधन कितना होगा, इसको सॉल्व कीजिए आंसर आएगा, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा देते हैं। देखिए अब आप इसको मत लगाया कीजिए, अब हमने काफी क्वेश्चन कर लिए हैं, मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूं। अब आप सीधा नीचे 95 लगाएं और 100 लगाएं। इसको यदि मैं 5 के पहाड़े में काटूंगा, 19 के पहाड़े में भी कट रहा है, 19 के पहाड़े पे काट लो जाए, 19 5 95, 19 का पहाड़े भी आपको आता है, तो 19 के पहाड़े में होता है ये 7 नंबर पे, 19 के पहाड़े में आएगा 7 नंबर पे, मतलब 700 आ जाएगा। 5 के पहाड़े में 100 काटा तो क्या आएगा, 20 आएगा, और 700 को 20 से गुना करोगे तो क्या आएगा, 14,000 आपका आंसर आएगा। तो पिछला क्वेश्चन भी इसी की तरह था, ठीक है, वो आपको अगली क्लास में, लास्ट क्लास में करवा दूंगा। मतलब ये टाइप्स मैं आपको करवाना चाहता हूं कि आपको समझ आ जाए, इस तरह की टाइप आ गई तो आपका आंसर इस तरीके से आता है, ठीक है। एक बार और समझाता हूं इसको, रमन ने 9 वर्ष बाद ब्याज के रूप में 13,300 दिए हैं, जो 13,300 रुपए थे मेरे पास 9 सालों का ब्याज था। अब वो ब्याज जो है अलग अलग तरीके से लगा, पहले 2 साल लगा 6%, 2 सालों में 6% तो टोटल कितना, यहाँ पे आप टोटल परसेंट लिख लो, टोटल उसको कितने परसेंट मिले, 2 सालों में 6% के हिसाब से मिले 12%, 3 सालों में, अगले 3 सालों में 9% मिला, 3 वर्षों में यदि 9% मिला तो कितने परसेंट मिल गया, 27%, और बाकी बची हुई अवधि के लिए मिला 14%। तो बची हुई अवधि हमने निकाली कि 2 साल यहां गए, 3 साल यहां गए, 5 साल चले गए, 9 साल टोटल थे, 4 साल बच गए, तो 4 सालों के लिए उसको 14%, तो 14 को 4 से किया तो टोटल कितना आया, 56%, ये टोटल उसको मिला 95% और इधर टोटल मिला 13,300। यदि 13,395% की वैल्यू, तो पूछा गया हमसे कितना, पूछा गया हमसे मूलधन, तो मूलधन 100% की वैल्यू। इधर यदि उससे मिश्र धन पूछा जाता, ठीक है, मिश्र धन पूछा जाता, कुल धन पूछा जाता, तो वहां पे 100 की जगह पे मैं 195 कर देता, क्योंकि ओवरऑल उसको 195% मिला। मिश्र धन में 100% क्या ऐड होता है, मूलधन, और 95% उसकी क्या थी, इंटरेस्ट थी, तो मेरा क्या होता, सीधा मिश्र धन आ जाता। आगे चलते हैं, ए ने बी को 2 वर्षों के लिए 6500 रुपए, सी को 4 वर्षों के लिए 8000 रुपए समान ब्याज के स्थान ब्याज पर दिए, दोनों से इसको 4500 रुपए प्राप्त हुए, तो ब्याज की दर क्या है, आसान सा क्वेश्चन है, ये भी कर लोगे आप, ठीक है। ए ने 2 बंदों को पैसे दिए हैं, ठीक है, ए ने बी को दिए 6500 रुपए कितने सालों के लिए, कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, और सी को दिए 4 वर्षों के लिए 8000 रुपए, ये दिए हैं उसने बी को, ये दिए उसने सी को, और समान ब्याज दर, दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इक्वल है, और यदि दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल है लेकिन टाइम का फर्क है, उसी टाइम के फर्क से
आप इसको थोड़ा सा लॉजिक लगाना, आपको पता लग जाएगा कि यदि टाइम का फर्क क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्यों आ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो टाइम की वजह से आ रहा है, तो टाइम से आपको क्या मिल जाएगा, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊंगा। आगे चलते हैं। रमन ने 9 वर्ष के बाद 13,300 का भुगतान किया, पहले वर्ष 6% दर से, अगले वर्ष 3 वर्षों में 9 और बाकी की अवधि के लिए 14। तो ये वही क्वेश्चन है जो हम अभी करके आए हैं, कि क्वेश्चन तो वही का वही है सारे का सारा, है ना। चेंज क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, सम सारा सेम है, ठीक है। दोबारा से पेपर में आ गया होगा, एक्चुअल में ये पी वाई एक्सक्यूज है, तो रिपीट होते हैं क्वेश्चन, क्या है पिछले साल वाले रिपीट होते हैं, तो ये रिपीट हो गया। इसका आंसर तो हमें सीधा पता, अभी निकाल के आते हैं, 14,000 आएगा, नाम ही बदल है। एक धनराशि पर ब्याज 1 पैसे प्रति माह रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है, निकाल लोगे आप, आसान क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। 100 की एक भाग को 5 विशेष भाग को 18% पे लिया था, 3 वर्ष बाद दोनों से, चलो ये अगली क्लास के लिए रखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़िए अच्छी तरह से। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और यहां पर मेरी लगभग सारी टाइप्स खत्म हो गई हैं। 2 टाइप्स हार्ड है थोड़ी सी, वो अगली क्लास लास्ट क्लास में करवाऊंगा, और हमारे लगभग यदि 70 क्वेश्चन भी हो जाते हैं तो मान के चलिए कि इसके मैंने आपको 140-150 से ऊपर क्वेश्चन करवा दिया है, और इसके बाद आपने करनी है प्रैक्टिस, ठीक है। कोई भी टॉपिक जब खत्म होता है तो मैं कहता हूं कि यदि प्रैक्टिस ना करोगे तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस आप करो उसमें आपको फायदा होगा, आपके सम स्पीड से निकलेंगे, ठीक है। और किसी क्वेश्चन में फंसो तो फिर देखना वो कौन सी क्लास में है, ठीक है। या तो आप पहली क्लास में जाना या आप लास्ट क्लास में जाना, आपका वो आंसर आ जाएगा। 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्षों में 956 हो गई, और यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो वो 3 वर्षों में कितनी होगी, 3 वर्षों में कितनी होगी। मतलब यदि मेरा प्रिंसिपल 800 रुपए था और उस 800 रुपए में मेरे को 3 साल का ब्याज मिला और वो हो गया 956, प्रिंसिपल से अमाउंट बना 956, 3 वर्ष में बना, ठीक है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे नहीं दिया हुआ, अभी क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट से बना, तो यहां से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो। एक तो ऐसे कर सकते हो इसको, भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो, फिर उस रेट ऑफ इंटरेस्ट में 4% ऐड करो, क्योंकि 4% बढ़ा के पूछा गया हमने, जो पहले थी उससे 4% बढ़ा दिया, उसमें 4% आप ऐड करो, जितना आएगा उसका फिर आप प्रिंसिपल का उतना निकालो, और आपकी क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी ब्याज। और हमसे क्या पूछा गया, राशि में कितनी हो जाए, हमसे अमाउंट पूछा गया कितनी हो जाएगी, तो फिर आप उसका अमाउंट का परसेंटेज बना लो। अब इस तरीके को हम नहीं अपनाएंगे, लेंथी मेथड है, आप सीधा देखिए, थोड़ा सा सोचिए इसको। इसके ऊपर हम ये लॉजिक लगा सकते हैं कि 956 रुपए तो हमारे पास हैं, और उसमें इंटरेस्ट जो लगी है वो पहले वाली लगी है ना, तो हम इसको आसान तरीके से करें तो कैसे कर सकते हैं, 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी, वही 800 रुपए 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे यदि इंटरेस्ट 4% बढ़ा देते हैं। तो 4% यदि बढ़ा देते हैं तो आप इस वो जो 4% लगेगा, लगेगा तो 800 रुपए के ऊपर ही, ठीक है। तो आप बड़े हुए रुपए निकाल लो और वो इसमें ऐड कर दो। देखिए 3 वर्षों में 956 तो आ गए, ठीक है, हमें पता 3 वर्षों में 956 तो आएंगे ही आएंगे, उसके ऊपर लगे हैं 956 आएंगे, मीन्स हमें पुरानी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ी है तो इसका आप 4% काउंट कर लो, इसके ऊपर ही बढ़ी होगी, 800 का प्रति वर्ष 4% बढ़ी है, 3 सालों में कितनी बढ़ी होगी, 12%, है ना। तो इसका 12% निकाल के आप इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, हमें पुरानी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है। यदि 800 रुपए था, हरेक साल 4% यदि बढ़ा दिया जाए तो 3 वर्षों का 12% इससे ज्यादा आएगा, ठीक है। मतलब 8000 लिख दिया मैंने, 800 का यदि मैं सीधा 4% निकालता हूं तो ये मेरी बड़ी हुई इंटरेस्ट आ गई, 12 को 8 से गुणा किया तो कितना आ गया, 96।
मतलब इसमें आपने क्या करना था, सिर्फ 96 ऐड ही तो करने थे, 6 और 6 12 2 1 9 5 14 और 1 15 1 9 और 1 10। मतलब यदि वो जो मर्जी पहले रही होगी उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें पता लग रहा है 4% यदि बढ़ाकर दे तो 3 वर्ष में उसको कितने रुपए मिलेंगे। तो ये अमाउंट पहले था, ये तो लग रहा था हमने जो उस 800 था उसके ऊपर 12% उसको और मिलेगा, तो 12% निकाला 96 उसको और मिलेंगे, तो आंसर आएगा आपका 3 नंबर। इसको करने का सबसे बेस्ट मेथड यही है, जिससे समय कम लगता है। नहीं तो फिर क्या कीजिए, फिर आप ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं आपको, आप क्या कर सकते थे और इसमें, लेकिन वो लेंथी उसमें टाइम ज्यादा लगेगा। आप यदि ये करते भी 956 यदि 3 वर्ष का है ना, 3 वर्ष का है, तो इसमें से पहले आप उसको माइनस करते, आपके पास ब्याज आती 156, फिर 156 को काउंट करते कि 156 का 3 में भाग देते, 156 निकालते माइनस करके, उसमें 3 का भाग देते, ये 5 आया और ये 2 आया, 52 है ना, 52 यदि 52 800 का कितने परसेंट है, वो आपकी पुरानी डेट ऑफ इंटरेस्ट आती है ना, तो ये फिर पॉइंटों में चला जाना था, तो उसमें आप 4% जोड़ते और फिर 3 वर्ष का निकालते, ठीक है, मतलब 4 की 12% उसका आप 12% निकालते, तो लेंथी था। आप इस तरीके से कीजिए, ये इसको सही मेथड है करने का। और देखें क्या और किस टाइप के, कल वाली क्लास में किस टाइप के सम करेंगे देख लीजिए, 2 बराबर राशियां 7% 5% से, ये कल वाली क्लास में रहेगा हमारा, ठीक है। तो आज मैंने आपको बीच बीच में से क्वेश्चन जो स्किप कराए हैं वो नेक्स्ट क्लास में आपके रहेंगे, और ये हमारी क्लास, और जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी वो हमारी अंतिम क्लास होगी, और उसको क्लास को अच्छी तरह से आप देखिएगा, उसमें PYQ से भी क्वेश्चंस होंगे, हार्ड टाइप्स भी होंगी, ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यदि हम कहें कि पेपर हार्ड आया वो वाले क्वेश्चंस में होंगे, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।